महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 220 जयंती समारोह समिति के इस कार्यक्रम में हम सबके सौभाग्य से मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आर्य समाज की कल्पना के अनुरूप एक सक्रिय समर्पित जीवन जीने वाले केवल प्रसिद्ध उद्योगपति नहीं समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भूमिका अदा करने वाले और इस आयोजन में भी राष्ट्रीय जो समिति बनी है उसकी प्रमुख भूमिका में है ऐसे श्री सुरेंद्र आर्य जी। आज के इस कार्यक्रम में अपने ओजस्वी संबोधन से जिन्होंने हम सबको महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन उनके कार्य और आज उसकी प्रासंगिकता ऐसे सब विषयों से जिन्होंने परिचय कराया उत्तराखंड से इतनी दूर से आए ऐसे संस्कृत के विद्वान शिक्षक प्रधानाचार्य ऐसे डॉक्टर विनय कुमार जी विद्यालंकार अपनी इस आयोजन के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और यहाँ की सब आर्य समाज की संस्थाओं ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय प्रांत संघचालक डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी अपने इस कार्यक्रम के संयोजक श्री कीर्ति शर्मा जी इस कार्यक्रम के सह संयोजक श्री सुनील कक्कड़ जी और सबसे महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम के अंदर अपनी प्रमुख भूमिका निभाने वाले ऐसे सभी आयोजन समिति के सदस्यगण विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी भगनी बंधुओं आज के इस कार्यक्रम के अंदर प्रारंभ में ही उन्होंने बताया कि 10 फरवरी से 200वीं जयंती का ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। अभी बातचीत करते हुए श्री सुरेंद्र आर्य जी बता रहे थे कि प्रारंभ में 2 वर्ष के आयोजन की कल्पना बनी यह वर्ष स्वामी दयानंद सरस्वती जी का 200वां वर्ष है अगला वर्ष आर्य समाज की स्थापना का 150वां वर्ष है। 2 वर्ष के कार्यक्रम की योजना बनते बनते माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनसे कहा कि आप 2 वर्ष नहीं 3 वर्ष इस कार्यक्रम को कीजिए और 3रा वर्ष स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान का भी 100वां वर्ष है और संभवतः इन्होंने उसको स्वीकार करके अभी ये 2 वर्षीय नहीं 3वर्षीय कार्यक्रम है। वास्तव में विचार रूप में जिस व्यक्तित्व ने अपना जीवन विचार दिया उसकी जयंती कार्य रूप में जो आर्य समाज है वो जो खड़ा हुआ उसकी 150वीं जयंती और कैसा कर्तृत्व उसके आधार पर चाहिए ऐसे स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे समर्पित महापुरुष की पुण्य स्मरण ऐसे सारे विषयों का एक साथ 3ों वर्षों के अंदर हम स्मरण करेंगे तो एक समग्रता में हम उसका स्मरण कर पाएंगे। यह कार्यक्रम यशस्वी होगा ये तो निश्चित है। कार्यक्रम का आयोजन प्रारंभ यही बता रहा है कि सारा समाज महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन के महत्व को समझकर तदनुरूप उसके प्रकाश में आगे जीवन चलने के लिए बनाने के लिए कृत संकल्प है ये आज का कार्यक्रम उसका संकेत दे रहा है। महापुरुषों की जयंती केवल महापुरुषों के जीवन का स्मरण नहीं होता 4 बातें उसके साथ जुड़ी रहती हैं। जीवन और कर्तृत्व का स्मरण करते ही हम उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं लेकिन ये एक उसका छोटा हिस्सा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन को पढ़ना उनके कर्तृत्व को पढ़ना उनका गुणगान करना उनको देवत्व के रूप में मानना केवल इतना जयंती का उद्देश्य नहीं रहता। महापुरुषों की जयंती का जो बड़ा उद्देश्य रहता है वास्तव में ये जो भारत है ये एक लाखों वर्षों की यात्रा है। हमारा ये राष्ट्र जीवन चिरंतन सनातन अनादि अनेक नामों से इसको हम पुकारते हैं उसका कारण क्या है हर कालखंड के अंदर उस कालखंड की आवश्यकता के अनुरूप इस देश के अंदर इस धरती पर ईश्वर की योजना से किसी ना किसी विभूति ने जन्म लिया और ये श्रृंखला ये निरंतर चलती जा रही है। वास्तव में जब हम उस महापुरुष का स्मरण करते हैं तो हम उस कालखंड का स्मरण करते हैं
उस परिस्थिति का स्मरण करते हैं, वो जो कालखंड था उस कालखंड की चुनौतियां क्या थी उसका स्मरण करते हैं, और उसके अंदर उनका योगदान क्या था उसका स्मरण करते हैं। ये दूसरी बात है, जब भी किसी महापुरुष का स्मरण किया जाता है तो वो कालखंड, उसकी चुनौतियां, उनके योगदान का स्मरण करना, ये दूसरी बात रहती है। कोई भी जयंती जब आती है तो उसका जो तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, केवल महापुरुष का स्मरण नहीं, उस महापुरुष को हम आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम सबके आत्मावलोकन का भी वो विषय है। केवल उनके जीवन का अवलोकन नहीं करना, उनके कर्तृत्व का अवलोकन नहीं करना, उनके योगदान का अवलोकन नहीं करना, उसके प्रकाश में मैं कहां खड़ा हूं, अपना भी आत्मावलोकन करना। अगर मैंने उनको अपने आदर्श के रूप में, प्रेरक के रूप में स्वीकार किया है तो अपना कठोरता पूर्वक, निर्ममता पूर्वक आत्मावलोकन करते हुए अपने अपने बारे में भी विचार करना कि क्या तदनुरूप मैं जीवन जी रहा हूं क्या। ये तीसरा अवसर है, तीसरा विषय है जो ऐसी जयंती का उद्देश्य रहता है। और चौथा और महत्वपूर्ण बात है जो मुख्य वक्ता ने अंत में भी कहा, महर्षि दयानंद जी ने जो जीवन और विचार और उनका कर्तृत्व, उनका योगदान था, उसके प्रकाश में आज के भी सब प्रश्नों का उत्तर हम दे सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उन समस्याओं का समाधान और चुनौतियों का उत्तर जो आज हमारे सामने है उनके मार्गदर्शन में हम वो भी कर सकते हैं। वास्तव में ये चारों बातें जो हैं इसके लिए भी किसी भी महापुरुष की जयंती या उनका आयोजन ये रहता है। मुझे लगता है कि इस सारे कालखंड के अंदर ये चारों बातें प्राप्त करने में, अपने अपने जीवन का आत्मावलोकन करना, आज की चुनौतियों का उत्तर प्राप्त करना, उस कालखंड को समझकर, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के योगदान को समझकर, जीवन कर्तृत्व को समझकर हम सब लोग अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस दृष्टि से ये आयोजन 3 वर्षों के सफल हो, इसके लिए इस प्रारंभ में शुभकामना व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। महर्षि दयानंद जी के जीवन और कर्तित्व, उसके बारे में बहुत बातें मैं नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसका पहले से अध्ययन किया है। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते ही एक मन में सामने कल्पना आती है, समाज सुधारक, एक कल्पना आती है एक अखंड ब्रह्मचर्य साधकमय जीवन जीने वाला व्यक्तित्व। सामान्य तौर के ऊपर उनके जीवन का जब विचार चलता है तो एक ओजस्वी वक्ता और एक बड़े विद्वान, जिन्होंने केवल अपना ही नहीं दूसरों का भी अध्ययन करके भारत में जो एक परंपरा समाप्त हो गई थी उस परंपरा को पुनः प्रारंभ किया। लेकिन ये सारा जब जीवन का चित्र सामने आता है तो उनके जीवन का आगे का जब विश्लेषण का अवसर आता है तो अनुभव ऐसा आता है कि उसके बारे में जानकारी बहुत कम रहती है। उनके जीवन के 2-4 प्रसंग, उनके बचपन की घटनाएं, उनके व्यक्तिमत्व की कुछ बातें, इतने तक रह जाता है। लेकिन वास्तव के अंदर उनके जीवन के सब पक्षों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में 1824 में जन्म हुआ, घर में सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन 14 वर्ष की आयु के अंदर ही मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ, जिसको उन्होंने कहा कि जिज्ञासा। वो जिज्ञासा की प्राप्ति में उन्होंने अपने जीवन की दिशा तय कर ली। लेकिन उनके जीवन का जो महत्व का अवसर है कि 21 वर्ष की आयु में जब वो ब्रह्मचारी और सन्यासी बनकर अपने जीवन को प्रारंभ किया तो सारे देश के अंदर उन्होंने भ्रमण किया। स्वामी विरजानंद जी सरस्वती के पास पहुंचने की यात्रा उनकी छोटी नहीं है, बड़ी कठिन यात्रा है। हिमालय से लेकर नर्मदा तक 15 वर्षों तक सारे देश के अंदर उन्होंने कितने ही सन्यासी, सिद्ध, कितने ही आचार्य, जहां उनको लगा कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो सकता है वो उस तक पहुंचे। सबसे उन्होंने कुछ ना कुछ प्राप्त करने का प्रयास किया। जो कुछ जिसने बताया, भारत की जो परंपरा रही है कि उस बात को उसी समय स्वीकार मत करो, उसका विश्लेषण करो, उसको सत्य की कसौटी पर कसो, ये जो कह रहा है ये वास्तव में है या नहीं है। और ये करते करते 1860 में जाकर वो गुरु विरजानंद जी सरस्वती के पास पहुंचे।
वहां जाने के बाद उनको ध्यान में आया कि मैं जिसको खोज रहा था वो मुझे मिल गया, और उन्होंने उनको अपने मार्गदर्शक के रूप में, अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। और गुरु के रूप में स्वीकार करके, वो आसान नहीं था, उनकी सब परीक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरना, पूर्ण समर्पित भाव से अनुशासनबद्ध होकर जीवन जीना, उसके आधार पर उनके मार्गदर्शन में उन्होंने अपने जीवन की दिशा और अपने लक्ष्य को तय किया। और ये सारा करते करते 1868 हो गया, यानी उन्होंने जो प्रारंभ किया था वो 14 वर्ष की आयु में 1838 से जो प्रारंभ किया, 30 वर्ष में जाकर उन्होंने अपनी तैयारी की। और 1868 के बाद उन्होंने प्रचार करना प्रारंभ किया। उसी क्रम के अंदर 1875 के अंदर आर्य समाज की स्थापना, सत्यार्थ प्रकाश की संरचना, और केवल 8 वर्ष का कालखंड ही उनको सारे देश के अंदर अपने विचार को आगे बढ़ाने के लिए मिला। लेकिन वास्तव के अंदर ये जो 1883 के अंदर ईश्वर प्रदत्त जो उनको कर्म मिला था उसको पूर्ण करके वो अनंत ज्योति में जो विलीन हो गए, वो 8 वर्ष ही आज सारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन और एक बहुत बड़े युग के प्रवर्तन का संकेत बनकर खड़ा हो गया। ये जीवन और कर्तृत्व अगर देखेंगे तो उनका कालखंड बहुत छोटा है, लेकिन किसी भी महापुरुष का कालखंड ये उसका संकेत नहीं होता, उसका जो प्रभाव होता है वास्तव में वो उसका संकेत होता है कि उसका योगदान क्या है, उसका महत्व क्या है। वास्तव के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन की वास्तविक अगर हम सब लोगों के महत्व को समझना है तो जिस पृष्ठभूमि में उन्होंने कार्य प्रारंभ किया वो पृष्ठभूमि क्या है ये समझने की जरूरत है। जिसका संकेत प्रारंभ के अंदर थोड़ा सा वीडियो के अंदर, फिल्म के अंदर भी था, डॉक्यूमेंट्री में भी था, और जिसका संकेत अपने वक्ताओं ने भी दिया, हजारों हजारों वर्षों की, लाखों वर्षों की अपनी इस राष्ट्र की यात्रा में महाभारत के काल के बाद अपने देश में दोष आने शुरू हो गए। कैसे हो गए ये नहीं कह सकते, लेकिन इतना निश्चित है कि उसके बाद अपने देश के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी दिखाई देना प्रारंभ हो गई जो हमारे मूल विचार के विपरीत थी। लेकिन अपने देश के अंदर दोष आना, उसका परिमार्जन करने का प्रयास करना, ये सब क्रम चलते जा रहे थे। लेकिन समय के साथ साथ ये दोष जब लगातार चलते चले गए तो उस कालखंड के अंदर परस्पर संघर्ष, भेद और समाज जीवन के अंदर इन दोषों के कारण से अपने सत्य के विचार से जब दूर होना प्रारंभ होता है तो अनेक कमियां आना प्रारंभ होती है। धीरे धीरे करके जिस राष्ट्र के अंदर चक्रवर्ती सम्राट, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, जिस देश के अंदर मानदाता जैसे 100-100 बार धरती को जीतने का करने वाले, कर्तृत्व करने वाले लोग हम दुनिया में आक्रमण करके दुनिया को गुलाम नहीं बनाते थे, लेकिन हम दुनिया को जीतते थे। हम भूल गए इस बात को। कभी कभी लोग बड़े गर्व से कहते हैं हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया। हमने आक्रमण नहीं, हमने किसी को गुलाम नहीं बनाया, लेकिन हमने दुनिया को जीता। यह हमारी परंपरा रही है और दुनिया को इससे आगे अपना बनाने की जो परंपरा रही है, जिसको हमने कहा कृणवंतो विश्व मार्यम। यह विश्व मार्यम यह किसी का तलवार के जोर पर मत परिवर्तन नहीं है, किसी का धोखाधड़ी के आधार के ऊपर अपना अनुयायी बनाना नहीं है, बेड़ों के समूह इकट्ठे करना नहीं है। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरेन, अपने आचरण के आधार के ऊपर ये जो जम्बू द्वीप है, आप पूरे जम्बू द्वीप के अंदर चले जाइए, हम बोलते हैं अपने यहां कोई भी अनुष्ठान करते हैं संकल्प लेते हैं जम्बू द्वीप है भरत खंडे, आपको भारत जैसा जीवन कंबोडिया में मिलेगा, चाइना में मिलेगा, जापान में मिलेगा, ऐसे ही परिवार, ऐसे ही घर, ऐसे ही जीवन के मूल्य इस देश के महापुरुषों ने सारे दुनिया के अंदर स्थान स्थान के ऊपर जाकर अपने जीवन के आधार के ऊपर लोगों को कहा हमको देखो, हम में कोई खास बात लगे तो हम जैसे बन जाओ। जिस देश के अंदर यह ऐसी परंपरा रही वो समाज धीरे धीरे करके आत्म केंद्रित हो गया, स्वार्थी हो गया, वो टुकड़ों में बट गया,
वो अपने को भूल गया, परिणाम यह हुआ एक के बाद एक आक्रमण होने शुरू हुए। यूनान, शक, हूण, कुषाण हजार वर्ष सतत संघर्ष करता रहा और यह संघर्ष चलते चलते धीरे धीरे करके हम थक गए। उसी कालखंड के अंदर इस्लाम का आक्रमण हुआ। यह जो इस्लाम का आक्रमण था, यह आक्रमण जो हुआ उस कालखंड के अंदर अपने देश के अंदर एक बहुत बड़ा हुआ। वो हजार वर्ष के संघर्ष में हमारी थकान थी, लेकिन हमारे समाज जीवन के अंदर हमने दूसरों को आत्मसात करने की ताकत बनाए रखी। लेकिन ये जो इस्लाम का आक्रमण था, ये आक्रमण ऐसा था जिसमें हमारी संस्थाएं नष्ट हो गई, हमारे इंस्टीट्यूशन खत्म हो गए, हमारे गुरुकुल, हमारे विश्वविद्यालय, हमारे समाज के अंदर संन्यास, ब्रह्मचारी, हमारे समाज की व्यवस्थाएं, मेले, अपने समाज की संस्थाएं नष्ट हो गई। उस कालखंड के अंदर वो जो इस्लाम का कालखंड था, इतने अत्याचार हुए हम कल्पना नहीं कर सकते थे। इस देश के अंदर कभी सोचा नहीं था आप अपने मत को पालन करेंगे तो आपको जजिया देना पड़ेगा, आपको काफिर कहा जाएगा, आपको दिम्मी कहा जाएगा। इस देश के अंदर महिलाओं पर अत्याचार, आप मतांतरण नहीं करते हैं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी, ऐसे सारे कालखंड के अंदर वो जो समाज था, बहुत सारी बातें, वो जो आपत का काल आया, संघर्ष का काल आया, बहुत सारी बातें ऐसी आ गई जो हमारी नहीं थी। इस्लाम के आक्रमण में संस्थाएं नष्ट हो गई, समाज रूढ़ी और कुरीतियों में चला गया, समाज खोल में बंद हो गया। जिस देश के अंदर गार्गी और मैत्रेयी जैसी ऋषिकाएं थी, जिसने अपना एक योगदान इस देश के अंदर दिया, उस देश के अंदर महिला घर के अंदर बंद हो गई, उस देश के अंदर महिला शिक्षा से वंचित हो गई, क्योंकि बाहर निकलना ये संभव ही नहीं था। ये रात्रि का विवाह, बाल विवाह, ये जो अनेक कुरीतियां आज आपको दिखाई देती है, ये सारी उस आक्रमण के कालखंड की देन है। जैसे तैसे हम उस संघर्ष से जीतते हुए बाहर निकले तो अंग्रेज का आक्रमण हो गया, और वो जो अंग्रेज का आक्रमण था वो सर्वंकष आक्रमण था। उस आक्रमण के अंदर हम आत्मविस्मृति का शिकार हो गए, आत्महीनता का शिकार हो गए। ये जो हजारों हजारों वर्षों की यात्रा थी, जिस समय महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, उस समय की परिस्थिति क्या थी? परिस्थिति ऐसी थी कि इस देश के अंदर ये जो कालखंड था, इस कालखंड के अंदर वो जो विदेशी आक्रमण एक के बाद एक चले, इस्लाम के आक्रमण में संस्थाएं नष्ट हो गई, समाज रूढ़ी कुरीतियों से ग्रस्त हो गया, अंग्रेजों के आक्रमण के अंदर आत्मविस्मृति का शिकार हो गया, दूसरों के अनुकरण में ही मेरा हित है ये भाव जिस समय जागृत हो गया, सारे समाज की ऐसी जब परिस्थिति थी, भारतीय ज्ञान परंपरा से समाज कट गया, उस कालखंड के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आध्यात्मिकता के अधिष्ठान पर, मूल्यों पर आधारित, अपने सारे अनुभवों के आधार के ऊपर धर्म के सत्य स्वरूप को केवल पहचाना नहीं, सारे समाज के अंदर उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया, और उस आंदोलन के अंदर उन्होंने कहा कि इस देश को इस सारे में से मुक्त होना है तो इस देश के अंदर हम सब लोगों को केवल एक बात की ओर जाना है, वो है हम क्या हैं ये समझना है, हमको कैसा जीवन जीना है ये समझना है, तो स्वप्रमाण वेद को पढ़िए और उसको पढ़ाने की व्यवस्था करिए। ये जो बीच के कालखंड के अंदर बहुत सारी बातें जो हमारे अंदर आ गई हैं, वो हमारी नहीं है। क्या करना, क्या नहीं करना, ये जो विषय है, ये निर्णय कौन करेगा? तो वेदों के आधार पर निर्णय करना, सत्य को ग्रहण करना, असत्य को नकारना। सत्य के आधार पर अपना जीवन आना चाहिए, असत्य को नकारिए, दूसरों का अध्ययन करिए, दूसरों का अध्ययन करके अगर उसमें कुछ श्रेष्ठ बात है तो उसको स्वीकार कर लीजिए, उसके अंदर जो कमियां हैं उसको भी नकारिए, उसको भी चुनौती दीजिए, और दूसरों का अध्ययन जो वो कहते हैं वो नहीं, अपनी दृष्टि से करिए, अपनी दृष्टि से उसका अध्ययन करिए, वो जो कह रहे हैं उसी को सत्य मत मानिए। वास्तव के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने
अपने अल्पकाल के उस कर्तृत्व के 8 साल के अंदर सारे देश की चेतना को झिंझोड़ दिया। सारे देश के अंदर उन्होंने उस कालखंड के अंदर वो जो समाज की जड़ता थी उस जड़ता को समाप्त कर दिया, उस जड़ता को समाप्त करके और उन्होंने समाज जीवन के अंदर हर बात का निर्णय कैसे होगा, उचित और अनुचित का विचार करिए, इस्लाम के कालखंड के अंदर बहुत सारी बातें जो हमारे जीवन में आ गई हैं, जिसको हमने धर्म मानना प्रारंभ कर दिया है, दूसरों के संपर्क में आकर हमने उसको अपना ही मान लिया है, ये जो आपद धर्म है ये सत्य धर्म नहीं है। वो जो सत्य धर्म है उसी को समझिए और उस आपत्काल के अंदर आई हुई कुरीतियों को नकार कर अपने वैज्ञानिकता के आधार पर अपना जो समाज जीवन था उसको दोबारा से प्रवाहित करना वास्तव में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का सबसे बड़ा योगदान, सारे देश की उस जड़ता को समाप्त करके झिंझोड़ कर इस देश को सत्य के मार्ग की ओर लेकर जाना। देखते देखते बाल विवाह की प्रथा ये समाप्त होनी प्रारंभ हो गई, विधवा विवाह ये पुनर्प्रारंभ हो गए, सारे देश के अंदर जो है बहुविवाह की प्रथा उसके खिलाफ समाज का जनमत बनना खड़ा प्रारंभ हो गया। इस देश के अंदर भारती जैसी विदुषी की परंपराएं जहाँ पे रही, जहाँ शंकराचार्य और मंडन मिश्र के और आपस के शास्त्रार्थ का निर्णय कौन करेगा, तो भारती जैसी विदुषी को ही माना गया। उस देश के अंदर स्त्रियों की शिक्षा, सबको शिक्षा का अधिकार, इस देश के अंदर जो है समाज जीवन के अंदर जो अस्पृश्यता का रोग आ गया है उसको समाप्त करना, सबको यज्ञ का अधिकार, सबको वेद पढ़ने का अधिकार, रूढ़ी और कुरीतियों को नकारना, सारे समाज के अंदर एक चेतना खड़ी होगी। अंग्रेजों ने संपर्क में आने के बाद वो जो एक वातावरण था अंग्रेजी शिक्षा से चमत्कृत, अंग्रेजी तकनीक से चमत्कृत, सारे समाज के अंदर उनके परानुकरण में ही हमारा हित होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उनको चुनौती दे दी और देखते देखते 50 वर्षों के अंदर ही उनके शिष्यों ने जो आंदोलन प्रारंभ किया वो राष्ट्रव्यापी समाजव्यापी आंदोलन पूरे देश की चेतना को झकझोरने वाला आंदोलन बन गया। आने वाले 50-60 सालों के अंदर ही सारे देश के अंदर शिक्षा का प्रसार हो, स्वदेशी के भाव का विकास हो, वो स्वाधीनता का आंदोलन हो। मैं केरल के अंदर गया तो केरल के अंदर मलप्पुरम जिले में गया तो वहाँ मैंने आर्य समाज का बोर्ड देखा। मैंने उनसे पूछा ये आर्य समाज यहाँ कब शुरू हुआ, उन्होंने कहा कि जिस समय मोपला के दंगे हुए थे उस मोपला के दंगों के समय, मुझे फिर बाद में एक पुस्तक भी मिली, उस मोपला के दंगों के समय जब वहाँ पर हजारों हजारों लोग उस मोपलाओं के अत्याचार के अंदर हिंदू मतांतरित हो गए थे, उस कालखंड के अंदर पंजाब और उत्तर प्रदेश के आर्य समाजों ने उस जमाने में 25,000 रुपये एकत्र करके वो सब घर वापसी का काम करने के लिए कितने ही लोग वहाँ पर आए, 7-8 महीने उन लोगों ने वहाँ लगाए और उस कालखंड के अंदर 10,000 लोगों को घर वापस किया। ये जो सारे देश का अद्भुत आंदोलन है, ये जो राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ जिसको उन्होंने कहा कि उस निजाम के अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो ये सारे देश की जिम्मेदारी है। सारे देश के अंदर उस जमाने के अंदर आर्य समाज, वीर सावरकर, इन सब के नेतृत्व के अंदर जो आंदोलन खड़ा हुआ उसके अंदर सारी राष्ट्रीय शक्तियों ने भूमिका निभाई। सारे देश के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आंदोलन खड़ा किया 50 वर्षों में वो आंदोलन समाजव्यापी राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया। वास्तव के अंदर आज भी बहुत सारी बातें देश के अंदर जो हमको होती हुई दिखाई दे रही हैं वो सब बातों का बीजारोपण सूत्रपात महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उस कालखंड के अंदर। आज इस सारे अवसर पर हम सब लोग जब एकत्र हैं वो कालखंड उस परिस्थिति को समझना, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जीवन उनका योगदान ये केवल उस कालखंड में प्रासंगिक नहीं था, आज के भी जितने प्रश्न हैं वो सब प्रश्नों का उत्तर इसी में ही निकलता है। हम सब लोग अपने आसपास के अंदर समाज के प्रश्नों का विचार करना शुरू करें। मैं बहुत बार घरों में जाता हूँ, हर व्यक्ति कहता है नई पीढ़ी व्यसनाधीनता का शिकार हो रही है, तरह तरह के व्यसन बढ़ रहे हैं, समाज के अंदर तनाव, परिवारों के तनाव, एक दूसरे के प्रति विश्वास, प्रेम, कितनी बातें ऐसी हमको दिखाई देती हैं। आज भौतिक साधन बढ़ गए, संसाधन बढ़ गए,
लेकिन सुख नहीं है। अंदर समाधान क्या है? वो जो समाधान है वो एक ही बात के अंदर है। वो जो हमारे वैदिक जीवन के अंदर जो हमको दिशा मिली, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उसका जो हमको दोबारा से कहा, वो था ब्रह्मचर्य के आधार पर जीवन जीना। ये जो ब्रह्मचर्य है ये केवल अपनी शिक्षा ग्रहण करते समय का ब्रह्मचर्य नहीं है, एक नियमबद्ध, अनुशासनबद्ध, इंद्रियों पर संयम रखने वाला, ये संयमित जीवन हम जिएंगे। भोग में सुख नहीं है, जीवन के अंदर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए एक ध्येयवादी जीवन जब समाज का होता है तभी सुख होता है। ये जो असीमित अनियंत्रित भोग, ये इस चुनौती को हमको पार करना है तो सारे देश के अंदर एक बार पुनः उस ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा करते हुए, उस ब्रह्मचर्य के सूत्र को अपने जीवन का सूत्र मानकर एक अनुशासित नियमित संयमित जीवन जिएंगे तो हम इस चुनौती का उत्तर पा सकते हैं। आज के जितने प्रश्न हमको दिखाई दे रहे हैं वो सारे प्रश्नों का उत्तर इसी बातों के अंदर मिलता है, इन्हीं सब बातों में मिलता है। नई शिक्षा नीति बनने की बात चल रही थी, मैं देख रहा था उस नई शिक्षा नीति के अंदर, उस कालखंड के अंदर महर्षि दयानंद जी ने सबको शिक्षा के अधिकार की बात की। भारतीय संविधान में आरटी को हमने उसके संविधान बनने के 60 साल बाद जोड़ा, लेकिन ये शिक्षा के अधिकार की बात महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उस कालखंड में की। अभी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उस शिक्षा के अंदर किन किन बातों का समावेश करना चाहिए, ये सारी बात जब चलती है तो आजकल बड़ी स्किल एजुकेशन की बात चलती है। उस कालखंड के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती के एक जर्मनी के शिष्य थे, उनका नाम था वीस महाशय। वो जो वीस महाशय है उनके साथ एक बड़ा लंबा पत्र व्यवहार है उनका। उन्होंने कहा कि जर्मनी जो है वो टेक्नोलॉजी में, स्किल में, इन सब में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को ये सब सिखाने की जरूरत है। वो बार बार कहते हैं कि भारत को समृद्ध बनना है तो शिल्प कला में हमको समृद्ध होना पड़ेगा और ये जो आधुनिकतम तकनीक है ये हमको प्राप्त करनी पड़ेगी। और वो लाहौर और उस समय जगह जगह वो घूमकर लोगों को प्रेरित करते हैं, विदेश जाइए केवल डिग्रियां प्राप्त करने के नहीं, शिल्प कला सीखने के लिए। ये शिल्प कला के आधार पर ही राष्ट्र की समृद्धि होती है। आजादी के 60 साल बाद दिशा विहीन शिक्षा नीति के बाद हम सब लोग ये कह रहे हैं कि शिक्षा के अंदर स्किल एजुकेशन का समावेश होना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उस कालखंड के अंदर ये जो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उस पत्र व्यवहार को पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमको अनेक बातें ध्यान में आ जाएंगी। वास्तव के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जीवन ये केवल उस कालखंड में नहीं, आज के भी समाज के जितने प्रश्न हमको दिखाई देते हैं उन प्रश्नों के अंदर उसके उत्तर हमको प्राप्त होंगे। सारे देश के अंदर भारत का वैचारिक विमर्श ये खड़ा होना चाहिए। सबके मन में आता है कि लोग स्व के आधार पर जीना चाहते हैं, लेकिन सब कहते हैं देश में देशभक्ति है, हिंदुत्व है, लेकिन आज विमर्श हमारा नहीं है, नैरेटिव हमारा नहीं है। यह विमर्श कैसे स्थापित होगा? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उस समय कहा, दूसरों के अनुवाद मत पढ़िए, मौलिक प्राथमिक स्रोतों पर जाइए, मौलिक ग्रंथों में जाइए। हम क्या है ये हमको पहचानना है, हमारा विमर्श क्या है ये हमको समझना है, तो दूसरों ने जो बताया वो नहीं। वास्तव के अंदर उन्होंने उस कालखंड के अंदर भारत को, भारत के स्वप्रमाण जो ग्रंथ थे उस कालखंड में उन्होंने कहा, व्याकरण भी पढ़ना है तो पाणिनि और पतंजलि के अष्टाध्यायी और महाभाष्य उसके आधार पर आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो उनका एक मौलिक दिशा थी। मैं आजकल बहुत बार जो लोग, विद्वान लोग देश का विमर्श बदलने की बात करते हैं उनसे मैं पूछता हूँ, भारत की भाषाएं मालूम है क्या? आपने मौलिक ग्रंथ पढ़े हैं क्या? उस मौलिक ग्रंथों में आज के प्रश्नों के उत्तर खोजे हैं क्या? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उस समय हमको कहा, स्व के आधार के ऊपर अपने जीवन को स्थापित करना है तो स्व को समझना है, तो स्व को समझने के लिए हमको उस अपने जो मूल प्रामाणिक हमारे जो प्राथमिक स्रोत हैं उनके आधार पर अध्ययन करके हमको अपने विमर्श को स्थापित करना पड़ेगा। वास्तव के अंदर राष्ट्रहित, राष्ट्र की एकता और अखंडता ये सर्वोपरि है।
महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करते समय इस देश के अंदर आर्य समाज ही नहीं खड़े करने, समाज खड़ा करने की कल्पना की थी। उनको अपने अनुयायी नहीं चाहिए थे, उन्होंने सबको कहा अपने व्यक्ति की उन्नति करना सबका कर्तव्य है। सामाजिक उन्नति कीजिए, आत्मिक उन्नति कीजिए, शारीरिक उन्नति कीजिए, लेकिन ये उन्नति अपने लिए नहीं, समाज के हित के लिए। ये जो समाज का हित है ये सर्वोपरि है, परोपकार करना ये जीवन का उद्देश्य है। और इसीलिए उन्होंने सब नियमों को बताते हुए जो अंतिम नियम बताया, उन्होंने कहा समाज के हित में, राष्ट्र के हित में जब बात चलती है उन विषयों के ऊपर हम प्रतंत्र हैं, उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। व्यक्तिगत जब हित का प्रश्न आएगा तो आप स्वतंत्र हैं। समाज के अंदर आज चारों तरफ जब कभी कभी अराजकता और ये सब दिखाई देती है, उस कालखंड के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी का वो संदेश हम सब लोगों का मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देता है। समाज हित, राष्ट्रहित जो है ये सर्वोपरि है, उसके लिए अपने मत को उसमें विलीन कर दीजिए। आप स्वतंत्र नहीं है, प्रतंत्र हैं। वास्तव के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो आंदोलन खड़ा किया वो आंदोलन हम सब लोगों के लिए आज अपने सबके आत्मावलोकन का अवसर है। महर्षि दयानंद जी को अपने अनुयायी नहीं चाहिए थे, उनको कुछ जीवन चाहिए थे, वो जीवन जो समाज और राष्ट्र के लिए जीने वाले थे। हम सब लोग जिन्होंने उनके जीवन का अनुसरण किया, जिसका स्मरण हम कर रहे थे, वो लाला लाजपत राय, श्याम जी कृष्ण वर्मा, पंडित लेखराज जी, महर्षि स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, ऐसे सब लोगों की श्रृंखला में हम सब लोग अपने अपने बारे में विचार करें। मैं कहाँ खड़ा हूँ, वो अपने को विचार करते हुए उस श्रृंखला में मैं हूँ क्या, ये निर्धारण करते हुए, संकल्प करते हुए हम सब अपने जीवन का आवश्यक परिवर्तन लाते हुए, समाज के युग अनुकूल प्रश्नों का समाधान करते हुए, किरणवंतो विश्व मारियम की क्षमता के अनुरूप राष्ट्र का निर्माण करने में अपनी भूमिका अदा करने का संकल्प लेंगे, तो ये 300-200वीं जयंती का समारोह, आने वाले 2-3 वर्ष के आयोजन, इस देश के अंदर वो जो युग का परिवर्तन महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया उसको आगे बढ़ाने वाला होगा, इसके लिए हम सब लोग अपनी अपनी भूमिका का विचार करें। इतना अनुरोध कर आप सबका धन्यवाद करते हुए इस समय मैं अपने संबोधन को पूर्ण करता हूँ।